हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैसे हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल कैसे हेल्प पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कैसे रिसाइकल बिन बना सकते हैं, यानी कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जो फाइलें डिलीट कर देते हैं उनको अपने फ़ोन पर वापस कैसे लाते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी तो रिसाइकल बिन के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रिसाइकल बिन एक हमारे विंडो का डिफ़ॉल्ट फीचर होता है, जिसमें अगर हम बाय चांस कुछ भी डिलीट होता है तो उसमें चला जाता है। जैसे मैं ये पिक आपको इसमें डिलीट कर देखा था, इसमें डिलीट चला गया और एक ये फ़ोटो, इसको मैं राइट क्लिक करके इसमें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको यस कर देता हूँ तो हमारे रिसाइकल बिन फोल्डर में चले जाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे काम की चीज़ थी और मुझको वापसी चाहिए तो मैं इसके डब्बा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके रिस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर भी राइट क्लिक करके रिस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमारे दोनों पिक्स थे वो यहाँ पर आ गए। गूगल एक ये था और एक ये था, दोनों यहाँ पर रिस्टोर हो गए। दोस्तों, ऐसी फैसिलिटी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होती है। दोस्तों, फिर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के लिए ऐसा रिसाइकल बिन बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैसे हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब कर नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से के टिप्स एंड ट्यूटोरियल डेली अपडेट करते रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं कि हम अपने एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कैसे रिसाइकल बिन बनाते हैं। या ये कह लीजिए कि अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी डाटा डिलीट हो जाए, डाटा से मतलब कोई इमेज हो या वीडियो हो, कोई भी डिलीट हो, उसको वापस अपने मोबाइल में कैसे रिकवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और अपने गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए डम्पस्टर DUMPSTER और यहाँ से इसको सर्च कर लीजिए। जब आप डम्पस्टर को सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऐप ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करके ओपन करना है। दोस्तों, हमारे सामने उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाती है और आप देखेंगे जो उसकी रेटिंग है वो 4.1 है, जो किसी भी ऐप के लिए काफ़ी अच्छी है। और साथ में आप देखेंगे कि ये ऐप लगभग 10 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है, इसका मतलब है ये 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस इंस्टॉल पर बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ सिंपल सा इस पर टैप करके, और ये हमारे मोबाइल में अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड हो चुका है और हमारे मोबाइल में ये इंस्टॉल हो रहा है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल का रूट होना ज़रूरी नहीं है। आपका मोबाइल अगर रूट नहीं है ये तब भी आपके मोबाइल में काम करे। दोस्तों, ये ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। आप यहाँ पर ओपन पर बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे हम देखें कि हमारे सामने न्यू विंडो ओपन कर देता है और हम यहाँ पर शो मी हाउ लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है स्किप इंट्रो। आप नियर नॉर्मल स्किप इंट्रो पर क्लिक करके इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, हमारे सामने न्यू डम्पस्टर का न्यू फोल्डर ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो इसका इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इसकी सेटिंग आप नॉर्मल डम्पस्टर वॉल पर यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसको क्लिक करना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यह हमें शो कर देता है ऑल इमेज वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट अदर फाइल्स। इसका मतलब अगर इनमें से आपकी कोई भी चीज़ में से डाउनलोड या डिलीट हो जाती है और आप इनमें से किसी का भी एक का बैकअप बनाना चाहते हैं, आप सिंपल से उसको टैप कर दीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ आपके इसमें बैकअप हो जाए तो आप नॉर्मल सिंपल से इस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपके सामने 3 मार्क आ रहे हैं, आप इस पर टैप करके इसकी सेटिंग पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके आप देखेंगे कि इनके सामने यहाँ पर जो नया फोल्डर ओपन हुआ है इस पर इसकी सारी सेटिंग ओपन होगी। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो क्लीन का। आप देखेंगे जब इस पर जस्ट टैप कीजिए, ऑटो क्लीन डम्पस्टर वो होता है अगर आपके
मोबाइल में से कुछ फाइल डिलीट हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो कितने दिन तक आप इसमें इस सॉफ्टवेयर में बैकअप बना रहे हैं। आप उसमें टाइम चूज़ कर सकते हैं, 1 वीक का है इसमें, 1 मंथ का है और 3 मंथ का है, आप कोई भी टाइम इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 1 वीक का इसमें चूज़ कर लेता हूँ, तो कोई भी फाइल अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो डाउनलोड डिलीट होती है, आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को कब तक सॉफ्टवेयर में कब तक रहे, तो आपने 1 वीक सेलेक्ट किया तो आप इसमें 1 वीक तक आपके सॉफ्टवेयर में वो रहेगी। आप 1 वीक के अंदर अंदर इस फाइल को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। चलो दोस्तों देख लेते हैं कैसे काम करता है। और मैं अपने मोबाइल में से कोई भी फाइल डिलीट कर लेता हूँ, तो मैं नॉर्मल बैग जाता हूँ और अपनी गैलरी में ओपन करता हूँ। गैलरी में से कुछ फ़ोटो, मैं कैमरे में जाकर कुछ फ़ोटो, जैसे कुछ मेरे दोस्त का फ़ोटो, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं डिलीट इसको कर देता हूँ। और नॉर्मल जाके अब इसको अपने उस फोल्डर में जाता हूँ, डस्टर में, मैं डस्टर में गया। आप देखेंगे कि जो मेरे फाइल डिलीट की थी वो मेरे यहाँ पर आ गई है, जो बिल्कुल सामने ही आपको शो कर रही है। आप सिंपली बस इस पर टैप कीजिए और यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दे रहा है, एक रिस्टोर का दे रहा है, एक डिलीट का दे रहा है और शेयर का। आप नॉर्मल यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करके इस फोटो को आप अपने मोबाइल में दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ अपने ऐप से भी डिलीट कर सकते हैं। और शेयर पर आप यहाँ से डायरेक्ट कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और फेसबुक पर कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलो दोस्तों मैं देख लेता हूँ रिस्टोर पर क्लिक करके कि हमारे मोबाइल में दोबारा से सेव होता है या नहीं होता है। तो मैं दोबारा से यहाँ से बैग जाता हूँ और अपने गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में मैंने क्लिक किया, दोस्तों आप देखेंगे जो मैंने फ़ोटो डिलीट की थी वो यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में इसी तरह कुछ भी डिलीट होता है, या फ़ोटो नहीं, आपकी कोई वीडियो भी होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीट होती है, फ़ोटो या वीडियो में से कुछ भी डिलीट होता है, आप उसको आसानी से इसे रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैसे हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस रेड बटन पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।